दोस्तों, आज पृथ्वी पर इंसान और अन्य जीव जातियों से लेकर पेड़ पौधों की 8.7 मिलियन प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब धीरे धीरे इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, और जिस जगह पर बैठकर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो वो करोड़ों साल पहले 8000 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी, और एक समय ऐसा भी आया जिसमें यह धरती लाखों सालों तक बर्फ की सफेद चादर से ढकी रही थी। ये सभी बातें सच हैं, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस नीले ग्रह पर पानी की पहली बूंद कैसे पहुंची और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए अगले 10 मिनट में तय करते हैं 5 बिलियन ईयर्स का रोमांचक सफर। आज से करीब 500 करोड़ साल पहले हमारे सूरज का निर्माण हुआ था, और यह पूरी तरह से स्टार डस्ट से घिरा हुआ था, जिसके कुछ समय बाद आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट एक दूसरे से जुड़ने लगी, जिससे अंतरिक्ष में छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया से ग्रहों के निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी। जी हाँ, ग्रेविटी ने इन स्टोन्स को कई मिलियन सालों तक अपनी ओर खींचा, जिससे पृथ्वी एक गोलाकार स्वरूप में आ गई। वैज्ञानिकों के अनुसार उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले कुछ एस्ट्रॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और करोड़ों साल तक ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह यानी थिया पर भी हो रही थी, जिस वजह से थिया ग्रह धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। और ये टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी के कुछ हिस्से कणों के रूप में स्पेस में फैल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों का एक दूसरे से टकराव और जुड़ाव होने लगा, जिससे हमारे चांद का निर्माण हुआ। हालांकि दोस्तों, अभी चांद पृथ्वी से काफी दूर है, लेकिन अपने निर्माण के शुरुआती दौर में चांद पृथ्वी के काफी करीब होकर परिक्रमा करता था। लेकिन समय के साथ ये दूरी बढ़ती चली गई, साथ ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से चांद ने भी गोलाकार स्वरूप ले लिया था। ऐसे ही करीब 600 मिलियन साल बीत गए, लेकिन टकराव का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। उस वक्त सोलर सिस्टम में मौजूद उल्कापिंड भारी मात्रा में धरती पर गिरने लगे। ये उल्कापिंड अपने साथ पृथ्वी पर नमक, मिनरल्स और बर्फ के रूप में पानी लेकर आए, और करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बारिश से पृथ्वी की सतह पर पानी की भारी मात्रा इकट्ठा हो गई। इस तरह साथियों, पृथ्वी पर पानी की पहली बूंद लाने वाले ये उल्कापिंड ही थे। इस पानी ने पृथ्वी की सतह के तापमान को करीब 70 डिग्री तक कम किया, लेकिन अब भी पृथ्वी का तापमान किसी भी जीव के रहने लायक ठंडा नहीं हुआ था, जिसे धीरे धीरे ये पानी ही ठंडा करने वाला था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हम जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं वह करोड़ों साल पुराना है, जो उल्का पिंडों से मिला है। निर्माण की प्रक्रिया के शुरुआती दौर में पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी काफी ज्यादा हुआ करती थी, जो वक्त के साथ धीमी होती गई। पृथ्वी के निर्माण के 700 मिलियन सालों बाद पृथ्वी की ज्यादातर सतह पानी से ढक गई, लेकिन पृथ्वी की कोर से गर्म लावा के निकलने की प्रक्रिया अब भी जारी थी, जो ठंडा होकर जमीन का निर्माण कर रहा था, और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी, और महासागरों के साथ महाद्वीपों का भी निर्माण हुआ। लेकिन अब भी अंतरिक्ष से उल्का पिंडों का गिरना जारी था। जब ये उल्का पिंड समुद्र में गिरे तो उन्होंने पानी में कई तरह के केमिकल्स रिलीज किए, जिससे विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हुए, और इन्हीं रिएक्शन से जन्म हुआ धरती पर पहले माइक्रोबियल जीव का, जो कि यूनी सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय बैक्टीरिया थे। कई मिलियन सालों तक इन बैक्टीरियाज ने अपनी तादाद को बढ़ाया और महासागर के हर कोने में फैल गए।
फिर जैसे जैसे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी तो समुद्र के पानी ने इस सनलाइट को अब्सॉर्ब किया और अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में तोड़ा, जिससे पूरा समुद्र ऑक्सीजन से भर गया और कई तरह के माइक्रोबियल जीवों का जन्म हुआ। कुछ समय बाद पानी में मौजूद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और एटमॉस्फेयर के निर्माण में भूमिका निभाना शुरू किया। इसी तरह 2 बिलियन साल बीत गए और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हमारी पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी कम हुई थी। इस वक्त पृथ्वी पर जीवों के रहने लायक हालात बन चुके थे, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि अब तक सिर्फ समुद्र में ही जीवन संभव था। सतह पर तो एक पेड़ पौधा तक नहीं था। इसी तरह हजारों साल बीत गए और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाख सालों तक खुला उबलता रहा, जिस वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना घट गया कि पृथ्वी की सतह पर स्थित पानी बर्फ में तब्दील होने लगा और पूरा ग्रह बर्फ से ढक गया। इस वक्त पृथ्वी सफेद गोले की तरह दिखने लगी थी। इस सफेद परत की वजह से धरती सूरज की किरणों को सोख नहीं पा रही थी और वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती थी। इसी वजह से पृथ्वी कई सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। इस बर्फ की सतह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में सतह पर निकलना शुरू हो गई और इस ज्वालामुखी की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे माइक्रोबियल जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बड़ा करना सीख चुके थे। उनका इवोल्यूशन शुरू हो चुका था। वहीं पानी में भी छोटे समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। ज्वालामुखी के विस्फोट से वातावरण में एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में अपनी जगह बना ली। बर्फों के पिघलने से सूरज की किरणें और बर्फ में केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई। कई हजारों सालों तक एसिड रेन से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट तक की प्रक्रिया ऐसी ही चलती रही, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से एसिड रेन कम होने लगी और पृथ्वी का तापमान भी ठीक होने लगा। इस प्रक्रिया में समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों का विकास होने लगा। कीड़ों से लेकर कंकाल वाले जीवों ने जन्म लिया। जीवों के साथ महासागर में बड़े बड़े पौधे भी उगने लगे और इस तरह से समुद्र के अंदर करीब 10,000 प्रजातियों के जीव रहने लगे थे। लेकिन जमीन अभी भी वीरान पड़ी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशन थी। लेकिन पानी और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का रेडिएशन के साथ रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन गैस का निर्माण हुआ, जिसने धीरे धीरे करके पृथ्वी को चारों ओर से कवर कर लिया। इस ओजोन परत ने सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन यानी पारा बैंगनी किरणों को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। साथियों, आज से करीब 375 मिलियन साल पहले जमीन पर पहला पौधा उगा और धीरे धीरे धरातल पर भी समुद्र की तरह ही अलग अलग किस्म के पेड़ पौधों का विकास हुआ। साथ ही समुद्र में मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का विकास भी हो चुका था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इन जलीय जीवों के पैर धीरे धीरे विकसित हुए। उन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा और यहीं घर बनाकर रहने लगे, जिसके बाद इनका समय के साथ इवोल्यूशन होता गया और कई तरह के जीव जातियों का विकास हुआ, जिसकी शुरुआत लैंड रेप्टाइल्स से हुई थी और इनके एवोल्यूशन से कई तरह के डायनासोर्स ने जन्म लिया। दूसरी ओर प्रकृति ने कई बड़े बड़े जंगलों का निर्माण किया था, जो इन डायनासोर्स और अन्य जीवों का घर हुआ करते थे। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ डायनासोर्स ने पेड़ पौधों को खाना शुरू किया, तो उनका शरीर लंबा और विकसित होता चला गया। वहीं जिन डायनासोर्स ने शिकार करना शुरू किया, उनका शरीर छोटा और फुर्तीला बनता गया
और अपनी सूझबूझ से डायनासोर्स धरती पर चारों ओर फैल गए और राज करने लगे। वहीं इनके अलावा अन्य वन्य जीव भी विकास की इस प्रक्रिया में प्रगति कर रहे थे। इसी तरह पृथ्वी के साथ साथ जीवों का भी अलग अलग रंग रूप में इवोल्यूशन होता रहा और आज धरती पर इंसानों के साथ 8.7 मिलियन प्रकार की जीव जातियां रहती हैं। ये विकास की प्रक्रिया तो आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, पृथ्वी के निर्माण से लेकर धरती पर जीवन की शुरुआत तक आपको ये 5 मिलियन सालों का सफर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के विलुप्त होने से लेकर इंसानों के जन्म और विकास तक की पूरी जर्नी देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर दी गई लिंक से आप हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।